आज आम पढ़ू भारत स्वाधीनता आईन भारत विभाजन और स्वाधीनता कौन पढ़ू भारत स्वाधीनता आईन भारत विभाजन और स्वाधीनता यह संपर्क आज आम पढ़ू भारत स्वाधीनता आईन कौन थी केते मसीह प्रणयन कराइला भारत केमी विभाजित होता भारत विभाजित हो कौन कौन दुईट देश गठन होता और स्वाधीनता आमको कौ मसीह किपर मिलला से संपर्क आम पढ़ू 1945 कौन होता द्वितीय विश्वयुद्धर समाप्ति घटी कौन सरला द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्ति विश्वयुद्ध कौन थिला ना 1945 समाप्ति घटिला घटिला परे भारतर जो स्वाधीनता संग्राम एक नूतन पर्याय आरंभ होता कहीं जो द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्ति पूर्व 1942 जो भारत छाड़ आंदोलन सरी जाइला आजाद हिंद फौजर जो थिला गठन एवं तार कार्यकलाप से सब सरी जाइला यही द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्ति पर सारा विश्वर गोटे कौन ना रूपरेखर परिवर्तन होगला कौन है ना सारा विश्वर सब रूपरेख द्वितीय विश्वयुद्ध परिवर्तन होगला यही समय किए थे यही समय जो थिले इंग्लैंड रो जो समय थी 1945 समय रो नेता किए थे इंग्लैंड रो ना थिला श्रमिक दल नेता मत कहा जाए इंग्लैंड रो प्रधानमंत्री थे सी ये जो 1945 समय किए थे इंग्लैंड रो प्रधानमंत्री क्लीमेंट अटली थी किए से समय माने द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्ति पर 1945 समय किए थे प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट अटली मुँ कहली एवं कि 1942 कौन सरी जाइला अगस्त विप्लव भारत छाड़ आंदोलन एवं आजाद हिंद फौजर मध्य सब जनतार जो वीरत्व सब कौन सरी जाइला यही दुईट क्षेत्र इंग्रेज मैंने कौन ना स्पष्ट हो जाते जे भारतीय मानक मध्य दृढ़ता और तार वीरत्व प्रमाण मध्य से यही दुईट क्षेत्र पाई एवं मु पूर्व अध्याय कही कि इंग्रेज मैंने आजाद हिंद फौजर सैन्य मान को कौन कर गिरफ करो गिरफ कर मुक्ति दाबी मुक्त कराऊ दाबी सारा भारतवासी कौन करते ना शोभायात्रा आरंभ करते लालबाग जवाहरलाल नेहरू विरुद्ध कौन करते मकदमा लड़ी थे शेष फल कौन होता ना भारतीय मानकर जय होता एवं आजाद हिंद फौजर समस्त जो लोक सैन्य मान जो कारागारे इंग्रेज मैंने बंदी करते कौन कले ना मुक्त करदे कहीं भारतीय मैंने प्रतिज्ञा नहीं आजाद हिंद फौजर कौन सी मत से ही वीर मान दंड न मिलवा उचित एवं इंग्रेज सरकार मानिने से कौन करदे मुक्त करदे कारण थी इंग्रेज मैंने जापारे भारतीय मानक आउ बेसी दिन तक अधीन रखिहब ना कारण थी भारतीय मानक कौन करहबनी बेसी दिन अधीन रखिपारे क्यों मैंने रखिपारे इंग्रेज मैंने रखिपारे यह भाविकी से कौन कले ना आजाद हिंद फौजर जी वीर मैंने से कारागार मुक्त करदे 1946 मसीह आरंभ में प्रादेशिक स्तर में विधानसभा निर्वाचन होला 1946 कौन है प्रादेशिक स्तर में कौन है ना निर्वाचन होला प्रादेशिक मान सब राज्य स्तर में निर्वाचन होला निर्वाचन में साधारण आसन कांग्रेस कौन कला ना ये निर्वाचन है साधारण आसन में किए विपुल संख्या भोट पाइला कांग्रेस कौन कला ना ए विपुल संख्यार भोट पाई कौन कला ना जयलाभ कला मुसलिम लीग जी मुसलिम लीग्र पाइबा कथा भोट सी से सफलता पाइला कांग्रेस कौन कला ना गरिष्ठता लाभ कला विपुल संख्यार भोट पाई मुसलिम लीग
मैंने मुसलिम लीग्र जी भोट दरकार ताकूक मिलिक सी तर ता बाटर कौन कला ना सफलता मिलला। यहपर आसला कौन ना 1946 कैबिनेट मिशन प्लान। एबे देखिबो कैबिनेट मिशन कौन थी यार सदस्य किए थे यही संपर्क एबे जानिबो या काहेकि आसीतिला। कैबिनेट मिशन ब्रिटिश सरकार कौन कले ना निष्पत्ति ने कि एवं भारतीय हाथ में समस्त क्षमता को हस्तांतर करदेबु। से कौन कले ना भारतीय मान सहित कौन करने बुझाणा करने गोटे मिशन गठन करने को गोटे मिशन गठन कले जार ना था कैबिनेट मिशन। एवं देखिबू यही जो मिशन सदस्य किए किए थे यही मिशन सदस्य थे भारत सचिव पैथिक लॉरेंस किए थे पैथिक लॉरेंस एवी अलेक्जेंडर एवं सर स्टाफोर्ड क्रिप्स थिले क्रिप्स दल सदस्य सॉरी कैबिनेट मिशन सदस्य थिले यही तीन जन। कैबिनेट मिशन कहीं आसला ना कहीं इंग्रज मैंने निष्पत्ति ने कि भारतीय मान शासन क्षमता एवं हस्तांतर आम करदेबू। अच्छा हस्तांतर जो करेंगे से भारतीय मान सहित किसी बुझाणा करेंगे ना एवं बुझाणा करने कौन कले ना इंग्लैंड सरकार ब्रिटिश सरकार भारत को पठेले। सदस्य थे किए किए ये थे भारत सचिव पैथिक लॉरेंस एवी अलेक्जेंडर एवं सर स्टाफोर्ड क्रिप्स तार सब सदस्य थे। यही जो कैबिनेट मिशन टी 1946 मार्च 24 रे कौटी पहुँचला नुआ दिल्ली रे पाद देला। मार्च 26 रे कौटी पाद देला दिल्ली रे पहुँचला। तार प्रस्ताव गुड़िक कौन थी ये जो मिशन टी कौन कौन मान जो कार्यक्षमता जो हस्तांतर करेंगे जो तार जो निष्पत्ति जो तार प्रस्ताव सब कौन कौन थी एवं आम पढ़ू कैबिनेट मिशन कौन कौन प्रस्ताव थी। कैबिनेट मिशन मुख्य प्रस्ताव थिला ब्रिटिश शासित प्रदेश और भारतीय देशीय राजा मानू एक संघ गठित हो कौन हम ना व्यवस्थापिक सभा आ शासन परिचालन व्यवस्था हम कौन हम ना ब्रिटिश शासित प्रदेश और भारतीय देशीय राजा सेत सब अलग अलग थे। ब्रिटिश शासित प्रदेश कौन थे अलग थे एवं देशीय जो राजा थे से सब कौन थे ना अलग थे से नहीं ब्रिटिश शासित प्रसिद्ध देशीय राजा मानक नहीं कौन करा जीवो ना एक संघ गठित हम संघ गठित करा जीवो एमानकु नहीं कौन करा जीवो ना संघ गठित करा जीवो। द्वितीय प्रस्ताव थिला ब्रिटिश शासित प्रदेश ब्रिटिश शासित जो प्रदेश रहिला जो ब्रिटिश शासित प्रदेश एथिरु साधारण वर्ग और प्रत्येक संप्रदायर प्रतिनिधि सह 296 माने यार प्रतिनिधि सहित कौन आसो ना 296 प्लस देशीय राजा किए रहा 93 प्रतिनिधि रे ब्रिटिश शासित प्रदेश रे 296 देशीय राजा रे 93 प्रतिनिधि को लेकिन 398 सदस्य विशिष्ट कौन कर एक संविधान प्रणयन सभा गठन कर 296 प्लस 93 के 389 लोक नहीं कौन कर एक संविधान प्रणयन सभा गठन कर द्वितीय प्रस्ताव। तृतीय प्रस्ताव कौन थी ना संविधान प्रणयन होगा पर्यंत जिते पर्यंत आम संविधान प्रणय है ना संविधान प्रणयन होगा पर्यंत अनुसूचित जाति जीक रे मध्य कौन रे कत प्रतिनिधि जड़े लेखा प्रतिनिधि एवं कौन आउ कौन रे संविधान प्रणयन होगा पर्यंत अनुसूचित जाति जड़े प्रतिनिधि सहित कांग्रेस रत रे प्रतिनिधि 6 जन रे प्लस ता सहित कौन रे ना मुसलिम लीग रु रे कत प्रतिनिधि 5 जन रे किए रे सिख क्रिश्चियन और पारसी आउ जो तीन टा संप्रदाय रहीगले से जड़े जड़े लेखा रे सिख रु जो रे ख्रीन रु जो रे पारसी रु के जो टोटाल के
सात पाँच बार टोटल केत रे चौदह जन रे प्रतिनिधि केत रे टोटल चौदह जन प्रतिनिधि रे। अच्छा कौन कौन रहा आउ थे देखने कैबिनेट मिशन प्रस्ताव गुड़िक प्रथम प्रस्ताव था ब्रिटिश शासित प्रदेश एवं देशीय राज्य को नहीं कौन करा एक व्यवस्थापिक संघ गठन होता प्रथम प्रस्ताव। द्वितीय प्रस्ताव कौन थी ना ब्रिटिश शासित प्रदेश अंचल 296 और देशीय राज्य 93 टोटल मिसेक 389 जन को लेकिन कौन करा एक संविधान प्रणयन सभा गठन कर। तृतीय प्रस्ताव कौन थी जो रही अनुसूचित जाति से कौन जड़े प्रतिनिधि एवं कांग्रेस रु 6 जन प्रतिनिधि मुस्लिम लीग रु 5 जन प्रतिनिधि आउ जो रही ख्रिस्टियन सिख पारसी एम जड़े जड़े प्रतिनिधि नहींकि एमती मोट 14 जन को लेकिन कौन करा गोटे मध्यवर्तकालीन सरकार गठन करो सरकार मध्यवर्तीकालीन सरकार गोटे गठन मध्यवर्ती सरकार गोटे कौन कर गठन करा जीवो कहाँ को नहीं कि ए 14 जन को नहीं कि गठन करा जीवो। एबे देखिबा ए जो कैबिनेट मिशन रो प्रस्ताव को केमिति भारतीय मैंने ग्रहण करथिले कि ग्रहण करनथिले एबे आमे याकु देखिबो आमे पढ़ी देलु प्रस्ताव गुड़िक कौन थिला कैबिनेट मिशन रो एबे देखिबो प्रस्ताव को ग्रहण कले कि नहीं। कैबिनेट मिशन जो तीनोटी प्रस्ताव रही मध्य कि भी नाला पाकिस्तान गोटे अलग देश हम कि पाकिस्तान संपर्क में कौन सी जिनस कौन करना उल्लेख करोथ उल्लेख कर ना कैबिनेट मिशन जो प्लान आनी 1946 कि भी उल्लेख हो ना जो हो ना किए क्षुब्ध होते ना मोहम्मद अली जिन्ना क्षुब्ध होते मोहम्मद अली जिन्ना कौन कले ना दुख प्रकाश कले कारण जो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव था से पाकिस्तान गोटे देश हम कि संपर्क में कौन सी जिनस उल्लेख हो ना 1946 अगस्त 16 तारीख रु सारा भारत में कौन करा प्रत्यक्ष कार्य दिवस पालन करा गला 1946 अगस्त 16 कौन करा गला ना प्रत्यक्ष कार्य दिवस पालन करागला कारण कौन थिला कारण थिला मोहम्मद अली जिन्ना जो क्षुब्ध हो गले पाकिस्तान संपर्क में उल्लेख न होइतिबारु से कौन कले ना सब मुसलमान मान को आह्वान देले कि सभा सभा यात्रा जरिया कौन करना दृढ़ समर्थन प्रकाश कर जमीती कि आमको पाकिस्तान बोली गोटे देश दरकार कौन कहले ना से समस्त मुस्लिम मान को आह्वान दे कहले कि तुम्हें दृढ़ ए समर्थन कर यो मोर कथ को दृढ़ समर्थन कर एवं यही दिन कौन है ना कोलकाता महानगर में शोभायात्रा बाहर समय नृशंस हत्याकांड घटला कौटी नृशंस हत्याकांड घटला कोलकाता जितेबले ये कथा को यही सब दृढ़ मानने जो कहले मोहम्मद अली जिन्ना सब मुसलमान मान को कि मत दृढ़ समर्थन दियो सेपाई कौन कले ना शोभायात्रा जो आरंभ करते कलिकतार से कौन कलाना गोटे बड़ अमानसिक दुर्घटनाटे घटला हिंसाकांड घटी या द्वारा कौन होना बहु संख्यक लोक मृताहत है समग्र देश में अनुकूल मानने अवस्था प्रतिफलित होगा केवल कोलकाता नुहे समग्र देश में तार सेमती जो हिंसाकांड तार अनु जो जहाँ भी से कोलकाता है तार अनुरूप व्यवस्था सब जगह प्रतिफलित है यह कौन कह जाए ना विराट कलिकता हत्याकांड कौन कह जाए विराट कलिकता हत्याकांड बोली कहा जाए विराट कलिकता हत्याकांड बोली कहा जाए यह किए कही विराट कलिकता हत्याकांड बोली या किए नाम देते ना जनरल फ्रांसिस टक्कर किए थे सी जनरल फ्रांसिस टक्कर कौन कही ना ये कोलकाता रे जो हत्याकांड होता यह विराट कलिकता हत्याकांड बोली से कही यही हिंसाकांड क्रमे बिहार बिहार तापरे पूर्वबंगर नोआखल्ली तिप्पर जिला पर्यंत सब अंचल को कौन लाना ये जो कोलकाता हत्याकांड धीरे धीरे कौन लाना व्यापी लगला एत जो
एते एते बड़ जो हत्याकांड घटिगला बहु लोकंकर मृत्यु घटिला या को देखि कोन ना गांधीजी कोन ना गांधीजी बहुत दुख कले तंकर दुखर कोन ना सीमा रहिला नै कार दुखर सीमा रहिला नै गांधीजी कोन कले दुख प्रकाश कले कारण कोन थिला ना बहुत बड़ हत्याकांडटि घटिगला कोलकाता रे एवं धीरे धीरे से हत्याकांड कोलकाता रु पूर्वबंग रो नोआखली तापर बिहार एसु पर्यंत कोन होला ना व्यापी गला एहाको देखि गांधीजी कोन कले ना बहुत दुख प्रकाश कले एवं दंगा नियंत्रण पई पूर्वबंग ओ बिहार रे कोन कले ना गांधीजी पदयात्रा एवं अनशन कले पूर्वबंग आउ बिहार रे कोन कले गांधीजी अनशन सहित कोन कले पदयात्रा भी कले पदयात्रा कले किए गांधीजी कहीं हत्याकांड धीरे धीरे ये मानने हत्याकांड पर धीरे धीरे से जो आंदोलनटी व्यापक लगुला बोली गांधीजी कौन कले ना अनशन और पदयात्रा आरंभ कले कि गांधीजी जी अनशन और पदयात्रा कौन सेमती फल मिलला ना कौन है ना ये कम जो कले अनशन कले पदयात्रा कले गांधीजी यार कौन है ना सेमती किसी गुड रिजल्ट मिलला ना मानने किसी भल सुफल से मिलला ना नेगेटिव रिजल्ट कह चले कि भल रिजल्ट से मिलला ना तापर कौन है ना 1946 सेप्टेम्बर 2 तारीख में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्रित्व में कांग्रेस कौन कलेना एक मध्यवर्तीकालीन सरकार गठन कले कांग्रेस कौन कलाना एक मध्यवर्तीकालीन सरकार गठन कला कहा नेतृत्व में जवाहरलाल लाल नेतृत्व 1946 सेप्टेम्बर 2 रे कौन कलाना जवाहरलाल लाल नेहरू 1946 सेप्टेम्बर 2 रे कौन कले जवाहरलाल नेहरू को नेतृत्व रे कौन करा कला ना कांग्रेस गोटे मध्यवर्तीकालीन सरकार गठन कला ये जो कांग्रेस ये जो सरकार टी गठन कला ये 1946 सेप्टेम्बर 2 रे कांग्रेस जो सरकार गठन कला एथिरे किए जोग देलेनी एथिरे मोहम्मद अली जिन्ना कौन कले ना जोग देले नहीं किए जोग देले नहीं मोहम्मद अली जिन्ना प्रथम कौन कले ना यही जो मध्यवर्तीकालीन सरकार गठन रे कौन कले जोग देले नहीं तापरे कौन है ना किंतु भाईसराय लॉर्ड वाभेल थे भाईसराय थे लॉर्ड वाभेल सी कौन कले ना मोहम्मद अली जिन्ना को प्रवर्तले कि नहीं तुम्हें जाए सरकार गठन में जोग दिवर प्रवर्तवा पर से मोहम्मद अली जिन्ना कौन ना राजी हो गले 1946 अक्टोबर 13 रे आसिकी जोग देले एबे कौन है ना कांग्रेस मध्यवर्तीकालीन सरकार टी गठन कर दीची ये रे कांग्रेस किंतु एथिरे किए जोग दे नाला मोहम्मद अली जिन्ना जोग दे नाले कि लॉर्ड अभेल वाभेल प्रवर्तवा द्वारा एवं आसिकिना मोहम्मद अली जिन्ना कौन कले ना जोग दे मोहम्मद अली जिन्ना आसिकी जोग दे जोग देवापर यार कौन कर 1946 डिसेंबर 9 रे कौन करागला ना जो पूर्वर संविधान प्रणयन पूर्वर संविधान होता ताकू प्रणयन करने सभाटी गठन करागला मुस्लिम लीग कौन कला ना यह मुस्लिम लीग कौन कला ना यह ये जो सभाटी है या कौन कला ना मुस्लिम लीग प्रत्याख्यान कला एवं डिसेंबर 11 रे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यही सब संविधान प्रणयन सभार कौन थे ना स्थायी सभापति भाव निजुक्ति पाइले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी सभापति भाव निजुक्ति पाइले इंग्लैंड सरकार कौन कले ना जहाँ भी भारत समस्या थिला ताकु कौन कले ना यथाशीघ्र कौन करिया समस्या रा समाधान करिया निष्पत्ति नेले एवं 1947 फेब्रुवारी 20 रे कौन कले ना क्लिमेंट अटली कौन घोषणा कले ना जेते शीघ्र संभव आमे
भारत को तार सब शासन क्षमता हस्तांतर करदेबू माने 1948 जून 30 तारीख पूर्व आम भारत समस्त क्षमता हस्तांतर करदेबू या किए कहले लॉर्ड क्लेमेंट अटली। यापर देखा कि आउ जो सरकार आसे कि माउंट बेटिन योजना। माउंट बेटिन योजन कौन होमें देखू एवं इंग्रेज मैंने कौन चिंता कले कि 1948 रु पूर्वर आम कौन करना जहाँ भी हो भारत जहाँ भी शासन क्षमता हाथ में हस्तांतर करदेजु। एवं आसे माउंट बेटिन योजना आम पढ़ू माउंट बेटिन योजना कौन थिला कि यार सदस्य थिले यार सब योजन सब कौन कौन उल्लेख थिला ए विषय आम पढ़ू। माउंट बेटिन योजन कौन थिले ना तार भाईस रे किए आसले ना 1947 मार्च 22 रे लॉर्ड लुई माउंट बेटिन कौन ना भारत को कौन है आसले भाईस रे हे आसले किए आसले लॉर्ड लुई माउंट बेटिन कौन है आसले भारत को भाईस रॉय हो आसले से उभय कांग्रेस से कौन कले ना जो कांग्रेस आउ मुस्लिम लीग भितर जहाँ भी जो थिला बुझामणा ता भितर कौन से कौन कले ना तो मु दुई जन को भितर मु बुझामणा करे देबी का भितर कांग्रेस मध्यरे आउ मुस्लिम लीग मध्य जहाँ भी सब थिला असुविधा भाईसराय लुई माउंट बेटिन कले कि मुझे कौन करी बुझामणा करी एवं गोटे योजना से अनुसार प्रस्तुत करी एवं बुझामणा कले भी आसिकी कांग्रेस असुविधा कौन मुस्लिम लीग असुविधा कौन बुझिकी कौन कले ना गोटे चिट्ठा प्रस्तुत कले एक योजना जे चिट्ठा योजना कहे योजना प्रस्तुत कले प्रस्तुत कलापर से कौन ताक कले ना ब्रिटिश सरकार के पाकर पार्लियामेंट रे देले अनुमोदन पाइले जाए कि योजना गुड़ी कार्यकारी हे अनुमोदन पाईगला के जो योजना टी 1947 जून 3 तारीख रे अनुमोदन पाईगला जून 3 रे योजना गुड़ी कौन है ना अनुमोदन पाईगला कौ योजना जो माउंट बेटिन जो योजना प्रस्तुत करते कांग्रेस आ मुस्लिम लीग मध्य बुझामणा करने से योजना को कौन करा ना अनुमोदन पाईगला ब्रिटिश पार्लियामेंटर 1947 जून 3 तारीख में। अच्छा एबे पढ़ा से योजन कौन कौन सब उल्लेख था कौन कौन व्यवस्था गुड़िक दि जाइला आम एवं पढ़ू। प्रथम व्यवस्था थी कि माउंट बेटिन कहले कि भारत विभाजित हम भारत कौन हम ना विभाजित हम भारत विभाजित हो भारत अलग हो पाकिस्तान भी अलग होइजिवो पाकिस्तान कथा जो मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना थिला कि मते पाकिस्तान दरकार पाकिस्तान अलग करदे भारत को अलग करने जो माउंट बेटिन योजनार प्रथम व्यवस्था थिला कि भारत पाकिस्तान अलग हम भारत कौन हम ना विभाजित होइजिवो एवं भारत पाकिस्तान नाम दुईट अलग अलग देश सृष्टि हेब। तृतीय कथा रहा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश उत्तर पश्चिम आम ए ड्रइंग करद नॉर्थ साउथ उत्तर पश्चिम सीमांत सिंधु प्रदेश एपटर थी ये बलूचिस्तान एवं सिलहटर जिले में बसवास कर लोक मैंने जो यही अंचल जो लोक रो मानने उत्तर पश्चिम सीमांत बा सिंधु बलूचिस्तान सिलहटर जो लोक मैंने रोचान से भारत में मिसबे कि पाकिस्तान में मिसबे से सब सी कौन करना पाखे से जो संपर्क जो निष्पत्ति नापी सब अधिकार दिजिव कौन कहगला द्वितीय कथा ना उत्तर पश्चिम सीमांतर आउ सिंधु प्रदेश बलूचिस्तान सिलहटर जो लोक मैंने रे भारत में मिसबे कि पाकिस्तान में मिसबे यह निजे डिसाइड करेंगे निजे स्थिर करेंगे निजे से तार निष्पत्ति ग्रहण करेंगे। तृतीय कथा थिला बंगला आउ पंजाब ए दुटा कौन हम ना विभाजित हो तृतीय कथा थिला बंगला अलग आउ पंजाब अलगा होइजिबो बंगला और पंजाब कौन है ना अलगा होइजिबे
मुसलमान जो अधिक थे मुसलमान मुसलमान जो अधिक थे पूर्वबंग कौन ना पाकिस्तान मशिव पश्चिम एवं जो आगुर जो बंग था बंग आगुर बंग जहाँ कहला से दी भाग विभक्त होती गोटे पूर्वबंग गोटे पश्चिमबंग पूर्वबंग पूर्वबंग कौन हम ना पूर्वबंग आस कौट मिसब पाकिस्तान में मिसब कहीं मुसलमान बहु अंचल था अण मुसलमान जो पश्चिम बंग था सी आसिक कौट मिसब पश्चिम बंग आस कौट मिसब भारत में मिसब पश्चिम बंग भारत में मिसब पूर्वबंग कौट मिसब पाकिस्तान में मिसब एवं मुसलमान बहु पश्चिम पंजाब कौटी मिसब पश्चिम पंजाब जा कौट मिसब पश्चिम पंजाब जाके कौटी मिसब पाकिस्तान में मिसब आण मुसलमान जो अंचल रहा पूर्व पंजाब आस कौट मिसब भारत में मिसब यही सब कथा यही योजन सब व्यवस्था गुड़िक उल्लेख था एवं सार सिरिल रेडक्लिफ कौन करना अध्यक्षतार गठित सीमा निर्धारण कराव कौटी के पर्यंत पाकिस्तान के पर्यंत भारत से सीमा निर्धारण किए करेंगे सार सिरिल रेडक्लिफ सार सिरिल रेडक्लिफ एटा मन रख इम्पोर्टेंट रेडक्लिफ सार सिरिल रेडक्लिफ कौन कले ना सी अध्यक्षतार गोटे सीमा निर्धारण करागला केतिकी भारत केतिकी पाकिस्तान से सीमार सब सी कौन कले ना से जो सी सीमा निर्धारण से कले एवं करदे तापर कौन चतुर्थ कथा थी देशियों राज्य गुड़िक जो देशियों जो राजा राज्य थिला से भारत में मिसिबे कि पाकिस्तान में मिसिबे से क्षमता दिगला कि सी तर से निष्पत्ति ने पाकिस्तान में मिसिबे कि भारत में मिसिबे चार नंबर कथा थिला देशियों जो राज्य गुड़ाक रहा प्रदेश देशियों राज्य सी भारत में मिसिबे कि पाकिस्तान में मिसिबे से निष्पत्ति से निजे ग्रहण करेंगे एटा थिला चार नंबर कथा पांच नंबर कथा कौन रहा ना भारत अलग संविधान हम पाकिस्तान गोटे अभिन्न संविधान प्रस्तुत करा जिवो भिन्न संविधान प्रणयन करा जिवो भारत पाई अलग संविधान भारत पाई गोटे अलग संविधान पाकिस्तान पाई कौन करा जिवो ना गोटे भिन्न संविधान संविधान जेते बड़े देश दुटा 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 मानते भारत को विभाजित कराए कि भारत पाकिस्तान करते भारत संविधान अलग हम पाकिस्तान गोटे भिन्न संविधान प्रणयन होटा था पांच नंबर कथा छ नंबर कथा था ब्रिटिश पार्लियामेंट क्षमता हस्तांतर करने 1947 अगस्ट 15 पूर्व कौन करना गोटे आईन प्रस्तुत कर 1947 अगस्ट 15 पूर्व कौन करना जो क्षमता गुड़िक हस्तांतर करेंगे ब्रिटिश सरकार भारत को सेपाई गोटे कौन ना आईन पास कर सबू थी कौन माउंट बैटिन योजनार प्रस्ताव गुड़िक कौन कौन थी आउ थे मुझे प्रथम प्रस्ताव थी माउंट बैटिन कर जो योजनार प्रथम प्रस्ताव थी भारत विभाजित हो भारत और पाकिस्तान दुईट अलग अलग देश सृष्टि हो द्वितीय कथा रहा कि उत्तर पश्चिम सीमांत आ सिंधु प्रदेश बेलुचिस्तान आ सिलहट एथिरे जो सब जनसाधारण लोक रे बसवास जो लोक मैंने पूर्ण अधिकार दिजो कि भारत में मिसिबे कि पाकिस्तान में मिसिबे से निष्पत्ति से निजे ग्रहण करेंगे तापर तृतीय कथा था बंग बंग आउ सरी बंगला और पंजाब कौन हम ना विभाजित विभाजित हो मुसलमान बहु जी पूर्वबंग थी सी आसिक पाकिस्तान में पशिव आउ अण मुसलमान भी अण मुसलमान अंचल जो रहा पश्चिमबंग सी कौटी मिसब भारत में मिसब तापर कथा कौन ना मुसलमान बहु पश्चिम पंजाब आसिक पाकिस्तान में मिसब अण मुसलमान जो अंचल रहा अण मुसलमान अंचल जी रहा सी आसिक कौटी मिसब पूर्व पंजाब जो आसिक भारत सहित मिसब एवं भारत पाकिस्तान मध्य जो सीमा रेखा मान निरूपण करेंगे क्या अध्यक्षतार हम यहाँ सार सिरिल रेडक्लिफ को अध्यक्षतार यहाँ तीन नंबर प्रस्ताव था चार नंबर प्रस्ताव था आज जो रही देशियों राज्य सब रहा देशियों राज्य गुड़िक
निजे निजे स्थिर करेंगे सी भारत सह मिसे कि पाकिस्तान सहित मिसे यह चार नंबर कथा। पांच नंबर कथा था भारत और पाकिस्तान दुईटी दुईट अलग अलग संविधान प्रस्तुत करा भिन्न भिन्न संविधान। सबुठ शेष कथा छ नंबर कथा 1947 अगस्ट 15 पूर्व आईन पास करा कि जमीक भारत को सब प्रकार शासन क्षमता ता हाथ को हस्तांतर कर। ये जो कथा सब हो गला कौथे सब रहा माउंट बेटिंग योजन सब रहीगला उल्लेख होता किंतु जातीय कांग्रेस कौन करा से चाहू नाला कि भारत पाकिस्तान अलग हो जातु। जातीय कांग्रेस यहाँ जमा चाहू नाला बहुत चेष्टा कर अखंड भारत केमती रहा दरकार खंड हो खंड विखंडित न हो अखंड हो रहा दरकार। जातीय कांग्रेस सब प्रकार चेष्टा कर भारत अखंडता बजाय रखापी कितु शेष कौन होता ना से विफल होता आउ कि उपाय न पाई कौन करना जातीय कांग्रेस कौन कलाना आक्सेप्ट माने ग्रहण कला कहार प्रस्ताव को ग्रहण कला माउंट बेटिन प्रस्ताव को माउंट बैटिन प्रस्ताव को कौन कला ना ग्रहण कला कहीं आ कि उपाय ना क्या पाखे जातीय कांग्रेस पाखे से बहुत चेष्टा कला भारत जमी अखंड होकर रो तार खंड विखंडित न हो किंतु बहुत चेष्टा करापे भारत कौन ला विभाजित हो गला भारत अलग हो गला पाकिस्तान अलग हो गला एवं से मध्ये जो उल्लेख होता जो कथी भारत पाकिस्तान अलग हम यह कि उपाय नपाई जातीय कांग्रेस माउंटबेटन प्रस्ताव कौन कला ना स्वीकार कला। मुस्लिम लीग पाकिस्तान कौन चाहूला ना दुई तृतीयांश अंचल चाहूला। मुस्लिम लीग कौन चाहूला दुई तृतीयांश अंचल मुस्लिम लीग चाहूला किंतु यह कौन ना जातीय कांग्रेस प्रत्याख्यान कला कहीं कारण कौन थी प्रत्याख्यान करार कारण थिला मुस्लिम अधिक संख्या कौट थिले ना भारत थिले एवं कम संख्यार मुस्लिम कौट थिले पाकिस्तान थिले मुस्लिम लीग्र दुई तृतीयांश प्रस्ताव को जातीय कांग्रेस कौन कला ना प्रत्याख्यान कला एवं ग्रहण कला ना। जो अंचल मुस्लिम लीग्र प्राधान्य था केवल से ही अंचल गुड़िक भाग करने कौन है ना कांग्रेस राजी होगा। मुस्लिम लीग्र जो प्राधान्य रही तुम से ही अंचल को भाग कर किंतु आउ अन्य को अंचल को भाग कर ना यह किए कहला जातीय कांग्रेस कहला से ही आधार कौन है ना पंजाब आउ बंग आसाम कौन है ना विभाजन है पंजाब बंग आउ आसाम ये तीनोटी कौन है ना विभाजन हेले ये तीनोटी कौन है ना विभाजन हेले एक क्षुद्र एत सब विभाजन हो गला पाकिस्तान कौन थिला ना क्षुद्र थिला माने छोट थिला क्षुद्र थिला एवं संकुचित थिला छोटटे थिला छोट थिला संकुचित थिला किए पाकिस्तान सब पर पाकिस्तान कौन थिला ना क्षुद्र आउ संकुचित थिला क्षुद्र आउ संकुचित पाकिस्तान अवस्था देखी जिन्ना कौन करथिला ना अत्यंत मर्माहत मन मन कौन ना बहुत दुख प्रकाश करुले क्षुब्ध होते कि किसी उपाय नाला से मध्य बाध्य कौन कले ना एवं ग्रहण कले माउंट बेटिन प्रस्ताव को किए ग्रहण कले मुस्लिम लीग बा मोहम्मद अली जिन्ना कौन कले ना ग्रहण कले माउंट बेटिन प्रस्ताव को कौन आम पढ़िलु ना प्रथम कौन है ना जातीय कांग्रेस तो चाहू नाला प्रथम कथा कि भारत विभाजित हो आउ तार खंड विखंडित हो किंतु आउ किसी उपाय नाला माउंट बेटिन को प्रस्ताव को ग्रहण नक आउ किसी उपाय नाला जेहेतु कौन कला ना जातीय कांग्रेस माउंट बेटिन प्रस्ताव को ग्रहण कला किंतु मुस्लिम लीग कौन कहला ना मत दुई तृतीयांश अंचल दरकार किंतु यह जातीय कांग्रेस प्रत्याख्यान कला कारण कौन थी प्रत्याख्यान करिवर कारण मुस्लिम संख्या भारत बहुत अधिक थिले पाकिस्तान ठारु से यही प्रस्ताव को कौन कला ना प्रत्याख्यान कला एवं यह कहला कि जातीय कांग्रेस मुस्लिम लीग प्राधान्य तुम प्राधान्य जो अंचल अच्छी ताकू विभाजन कर एवं से कथा को आधारित कर पंजाब बंग आसाम कौन है ना विभाजित है
तापर भी कौन होता ना सब विभाजित हो सारापर पाकिस्तान बहुत छोटा क्षुद्र थिला एवं बहुत छोट संकुचित अवस्था थिला या देखिक मने मन किए मर्माहित होते ना मो मदली जिना मने मन बहुत क्षुब्ध होते मर्माहित होते यापर पाखर आउ कि रास्ता नाला से बाध्य कहार प्रस्ताव को ग्रहण कले माउंट बेटन प्रस्ताव को कौन कले ना ग्रहण कले एमती भाव में भारत पाकिस्तान दुईट अलग अलग विभाजन है पढ़व भारत भारत स्वाधीनता आईन कौन थी एवं पढ़व आम भारत स्वाधीनता आईन भारत स्वाधीनता आईन भारतीय नेता मैंने कौन कले ना माउंट बेटन प्रस्ताव को ग्रहण कले एवं ग्रहण करापर ब्रिटिश सरकार कौन कले ना यह जो कथा को सब भित्तिक मैंने माउंट बेटन सब योजना को भित्तिक भारत स्वाधीनता निम्ते कौन कले ना गोटे आईन प्रस्तुत कले एवं 1947 जुलाई 18 यह कौन कहगला ना भारत स्वाधीनता आईन 1947 भाव में ब्रिटिश पार्लियामेंट कौन है अनुमोदन लाभ कला भारत स्वाधीनता आईन 1947 भाव में कौन कला ना ब्रिटिश पार्लियामेंट रे अनुमोदन पाइला कौन अनुमोदन पाइला ना जहाँ भी प्रस्ताव थिला माउंट बेटन ताको भारतीय माने ग्रहण करिया परे एहाको ब्रिटिश सरकार भित्ति करी कौन कले ना गोटे भारत स्वाधीनता निमंत्र गोटे आईन प्रस्तुत कले जहाँकि 1947 मसीह अनुमोदन किए कले ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश पार्लियामेंट से अनुमोदन पाइला उक्त आईन अनुसार कौन करागला ना भारत और पाकिस्तान दुईट स्वाधीन राष्ट्र हो गले भारत अलग स्वाधीन राष्ट्र तार हो गला एपट साइड अलग किए रहा पाकिस्तान अलग होइगला 1947 अगस्त 15 तारीख दिन क्षमता हस्तांतरण निम्ते निष्पत्ति नियागला क्षमता केबे दिया जिवो 1947 अगस्त 15 रे समस्त क्षमता ब्रिटिश सरकार कौन करिवे ना हस्तांतर करिदेवे देशीय राजा मैंने इच्छा अनुसार भारत किंबा पाकिस्तान जो कहा जाइतला जो माउंट बेटन योजना थिला कि देशीय राजा मन को कौन कहला ना तुम इच्छा हेले तुम भारत जो मिस नई तो पाकिस्तान रे जोग दियो तुम इच्छा एवं तांको छाड़ी दिला तांको ऊपर कि तुम इच्छा अनुसार भारत कि पाकिस्तान सहित जोग दियो एवं 1947 अगस्ट 15 रु इंग्लैंड मानकर कौन होगा इंग्लैंड सहित जो सब चुक्ति आमर आमर सब कौन से गुड़ाक विलोप घटला कहीं विलोप घटला कहीं 1947 अगस्ट 15 रु इंग्रेज मैंने आमको आम शासन क्षमता हस्तांतर करदे हस्तांतर करदेपर इंग्लैंड मानक जो शासन थिला जो जहाँ भी शासन क्षमता थिला आम उपर जो भी जहाँ भी चुक्ति आम सब से स्वाक्षर करते तार आ कि माने रही ना ता एक प्रकार कौन है ना विलुप्त होगला विलोप घटला निजर संविधान प्रणीत होगा पर्यटन निजर जितेपर्यंत संविधान प्रणय हुए ना प्रत्येक देशर संविधान प्रणयन सभा को विधायक सभार कौन करागला ना क्षमता दिगला जिते पर्यंत निज निजर संविधान तुम प्रणयन कर भारत और पाकिस्तान को कहला विधायक सभार क्षमता दिगला एवं उभय देश भारत शासन आईन 1935 अनुजाई कौन कले ना ये दुईट देश भारत आ पाकिस्तान कौन कले ना शासन जो कले 1935 शासन अनुजाई ये मैंने कौन कले ना 1935 भारत शासन आईन अनुजाई भारत आउ पाकिस्तान को कहगला तुम्हें शासन कर इंग्लैंड भारत सचिव इंग्लैंड जो आमर थिला इंग्लैंड जो भारतीय सचिव भाव निजुक्ति पाते इंग्लैंड से जो पदवीटी थी ताको उच्छेद करागला एवं यापर कौन विभाजन और स्वाधीनता पर विभाजन आउ स्वाधीनता जो विभाजन है विभाजन कौन है विभाजन भारत पाकिस्तान अलग है विभाजन पर जो स्वाधीन भारत कौन है ना अलग गवर्नर जनरल प्रधानमंत्री है पाकिस्तान अलग गवर्नर जनरल आउ प्रधानमंत्री है देखू आम भारत स्वाधीन भारत प्रथम गवर्नर जनरल किए थे पाकिस्तान प्रथम गवर्नर जनरल किए थे प्रधानमंत्री किए थे एवं आम देखू स्वाधीन भारतर प्रथम गवर्नर जनरल भाव लॉर्ड लुई माउंटबेटन थिले किए थिले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड लुई माउंटबेटन थिले प्रथम गवर्नर जनरल एवं प्रधानमंत्री किए थे भारत
नेहरू थिले। जवाहरलाल नेहरू ये किए थे स्वाधीन भारत, भारत विभाजन हो जाए जो भारत पाकिस्तान दुईट नुआ नुआ देश सृष्टि है यह विभाजन हाबर स्वाधीन भारतर प्रथम गवर्नर जनरल किए रही लॉर्ड लुई माउंटबेटन और प्रथम प्रधानमंत्री किए रही जवाहरलाल नेहरू। सेमती पाकिस्तान प्रथम गवर्नर जनरल किए रही मोहम्मद अली जिन्ना, किए रही मोहम्मद अली जिन्ना थिले किए गवर्नर जनरल। सेमती पाकिस्तान प्रधानमंत्री रे किए रही प्रधानमंत्री भाव लियाकत अली खां, किए रही लियाकत अली खां ये किए रही ना पाकिस्तान प्रथम प्रधानमंत्री। भारत प्रथम गवर्नर जनरल भाव पाइले लॉर्ड लुई माउंटबेटन, पाकिस्तान प्रथम गवर्नर जनरल भाव किए रही मोहम्मद अली जिन्ना। सेमती भारत प्रथम स्वाधीन भारत प्रथम प्रधानमंत्री किए रही जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान प्रथम प्रधानमंत्री किए पाइले लॉर्ड लियाकत लियाकत अली खां भाव शपथ ग्रहण कले। एम सब निज निजर शपथ ग्रहण कले। स्वाधीनतार परवर्ती पर्यायर स्वाधीन भारत प्रथम स्वाधीनतार जो परवर्ती पर्यायर कौन है ना गोटे उप प्रधानमंत्री पदवी बाहर एवं प्रथम उप प्रधानमंत्री किए थे सर्दार वल्लभ भाई पटेल। भारत प्रथम डेप्युटी प्राइम मिनिस्टर कह जाए प्रथम उप प्रधानमंत्री ये पदवीटी एवं किंतु ना आगर उप प्रधानमंत्री थी एवं किंतु ना किए थे सर्दार पटेल। सर्दार पटेल यहाँ कौन कह जाए आयरन मैन लौह मानव। प्रथम उप प्रधानमंत्री किए पाइले निजुक्ति सर्दार वल्लभ भाई पटेल। एवं ये जो सर्दार वल्लभ भाई पटेल थे से जो दृढ़ मानने कौन दक्ष व्यक्ति थे मानने दक्ष और परामर्श जो बहुत अधिकांश जो देशियों राज्य सब थे यहाँ कौन थी ना बहुत दक्षता से थे यहाँ परामर्श गुट बहुत भल था यहाँ दक्षता आ परामर्शपाई कौन कले ना जो देशियों राज्य सबू थे देशियों राज्य जो थे कहला कि तुम पाकिस्तान में मिसब कि भारत में मिसब तुम्हें निजे निष्पत्ति ग्रहण कर। सेने सर्दार वल्लभ पटेल सर्दार वल्लभ भाई पटेल दक्षता देखी से कौती मिसले भारत में मिसले अधिकांश देशियों राज्य कौटी आसिक मिसले भारत में मिसले अधिकांश देशियों राज्य आसी का सहित मिसले भारत सहित मिसले मिसीगले ये तापर कौन है ना 1947 अगस्त 14 तारीख दिन विलंबित रात्रि 1947 अगस्त 14 तारीख दिन विलंबित रात्रि जवाहरलाल नेहरू कौन करना लाल किला जातीय पताका उत्तोलन करते 1947 अगस्त 14 कौन है जातीय पताका उत्तोलन करागला। किए उत्तोलन कले जवाहरलाल नेहरू उत्तोलन कले कौटी दिल्ली लाल किला ठरे। जवाहरलाल नेहरू किए थे स्वाधीन भारतर प्रथम प्रधानमंत्री से कौन कले ना ये 1947 अगस्त 14 तारीख दिन जातीय पताका उत्तोलन कले कोटी लाल किला ठारे विलंबित रात्रि रे। एहा पर कौन है ना भारत संपूर्ण रूपे कौन पाइला स्वाधीनता प्राप्ति कला 1947 अगस्त 15 तारीख दिन भारत प्रथम स्वाधीनता दिवस विपुल उत्साह पालन कला केबे पालन कला 1947 अगस्त 15 शेष कौन मिलला स्वाधीनता मिलला एवं आमे बहुत उत्साह सहित स्वाधीनता दिवस से दिन आम कौन कलु ना विपुल उत्साह पालन कलु जो बहु काल धरिकी जो लोक सब थे देशभक्ति करते जमीक असहजोग आंदोलन चलला
आईन मान्य आंदोलन चलला तापर भारत छाड़ आंदोलन सब आंदोलन जो वीर पुरुष मैंने से मानकर जो देशभक्ति देशभक्ति एवं बहुत लोक शहीद होते से मानकर सब देशभक्तिर प्रमाण एवं आमको मिलला के मिलला 1947 अगस्त 15 मिलला कौन प्रमाणटी कौन थी प्रमाणटी थी भारत संपूर्ण रूपे स्वाधीनता लाभ कला अगणित शहीद देश पाई जो अमाप लुह लौ देते जो अगणित लोक जो शहीद होते आम भारत को स्वाधीन करने बहुत लोक कौन शहीद होते लुह लौ एक कर तार सफल सुफल केवे मिलला 1947 अगस्त 15 शेष कौन है ना जो सुनेली भविष्य आम स्वप्न देखुलु जो सुंदर भविष्य आम आकांक्षा आम थू से ही आकांक्षाटी पूरण है 1947 अगस्त 15 आम कौन हलु ना पूर्ण स्वाधीनता पाईलु कौन पाईलु पूर्ण स्वाधीनता आमको मिलगला से आम 1947 अगस्त 15 कौन पालन करूँ इंडिपेंडेंस डे स्वाधीनता दिवस भाव पालन करूँ।